एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था, सभी रत्न वहीं बैठे थे, बीरबल भी था। तो अकबर ने सभी से पूछा कि कोई ऐसी बात बताओ जो दुख में तसल्ली दे और खुशी में गाफिल न होने दे, युद्ध में सांत्वना दे और शांति में हमें सतर्क करती रहे, बीमारी में कुछ ढाढ़स बंधाए और स्वास्थ्य में हमें चौकन्ना रखे, अमीरी में भी सावधान रखे और गरीब को भी तसल्ली दे। छोटी सी कोई ऐसी बात मैं चाहता हूँ कि मैं जिसको अपनी अंगूठी पर खुदवा के रख सकूँ अपने आसपास। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, यह वक्त भी गुजर जाएगा। ये एक ऐसी बात है जो किसी भी हालात में हमें याद रखनी चाहिए, अपने आसपास रखनी चाहिए। ये बात तो पुरानी हो गई, आज से कोई 100 साल पहले अमेरिका के एक लेखक और संपादक हुए पॉल हैमिल्टन हेने, PAUL HAMILTON HAYNE। उनको ये वाक्य बहुत अच्छा लगा। 5 ही शब्द थे इसमें और इंग्लिश में भी 5 शब्दों में अनुवाद किया उन्होंने इसका, दिस टू शैल पास अवे। अब पॉल हैमिल्टन को लगा कि ये बात इतनी छोटी है कि कई बार आंखों के सामने से गुजर जाती है, तो इसको थोड़ा फैला के कहना चाहिए, विस्तार से कहना चाहिए, क्योंकि बड़े काम की चीज़ है, शब्दों में ताकत होती है। तो हैमिल्टन हेने ने एक कविता लिखी, दिस टू शैल पास अवे। वो कविता मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। आर्ट दाउ इन मिजरी ब्रदर, देन आई प्रे, बी कम्फर्टेड, thy grief shall pass away, art thou elated, be not too gay, temper thy joy, this too shall pass away, art thou in danger, still let reason sway, and cling to hope, this too shall pass away. Tempted art thou, in all thine anguish lay, one truth to heart, this too shall pass away. Do raise loftier glory round thee play, king-like art thou, this too shall pass away. Whatever thou art, wherever thy footsteps stray, heed these wise words, this too shall pass away. अब मैंने हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करी है, आगे बढ़ने से पहले मैं इस थोड़ा उसको दोहराता हूँ। तकलीफ में हो मेरे भाई, दुआ करता हूँ, सब्र रखो, तुम्हारे दुखों का अंत होगा, बहुत खुश हो, इतना प्रसन्न भी न हो, खुशी को काबू करो, इसका भी अंत है, क्या तुम खतरे में हो, फिर भी भरोसा रखो, उम्मीद रखो, यह वक्त भी गुजर जाएगा, आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, तुम्हारी वेदना के केंद्र में एक सच को समझो, यह वक्त भी गुजर जाएगा, ऊंची शान की किरणें तुम्हारे पास बिखर रही हैं, राजाओं की मानिंद सोचते हो, यह वक्त भी गुजर जाएगा, जो कुछ भी हो, जब भी कदम लड़खड़ाएं,
ये शब्द याद रखो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जब पॉल हैमिल्टन हेने ने ये कविता लिखी और कुछ अखबारों को भेजी छपने के लिए, तो बड़ी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। इस कविता को लोगों ने हाथों हाथ लिया और हेने के पास सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में खत आए। जो लोग अस्पताल में थे, बीमारी से जूझ रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें इससे बड़ी तसल्ली पहुंची है। कई लोग डिप्रेशन से गुजर रहे थे, किसी घाटे से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये शब्द पढ़ के हमारे अंदर नई ऊर्जा भर गई। कई लोग संबंधों की कड़वाहट से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे संबंधों को इन पंक्तियों ने एक नई ऊर्जा दी है, नई आशा दी है। ये शब्दों की शक्ति है। और शब्दों के बारे में किसी ने कहा है कि स्याही की एक बूंद ओस की तरह बिखरती है और लाखों लोगों को विचारों के समुद्र में डुबो सकती है। यह किताब है लाइट फ्रॉम मैनी लैंप्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रिय पुस्तक है और वो इसे कुरान शरीफ की तरह हमेशा अपने पास रखते थे। कविता गूगल पर मिल जाएगी, पॉल हैमिल्टन हेने के नाम से या दिस टू शैल पास अवे के नाम से प्रिंट करके सामने लगाने के लायक है। अपना कीमती समय निकालकर यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही सुंदर, उत्साह से भरपूर और सुनहरी हो। नमस्कार।